हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अगर आपका फ़ोन हैंग होता है और आप कोई ऐप अपने फ़ोन में खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो वो थोड़ा लोडिंग लेकर थोड़ा देर में खुलता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से और एंड तक पूरा देखें। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जिसकी सहायता से आपका फ़ोन हैंगिंग करना बंद कर देगा और आपके जो ऐप है वो रिस्पॉन्स फटाफट देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। चलिए दोस्तों, हम प्ले स्टोर पर चलते हैं। प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको सर्च करना है कीप सिक्योरिटी। दोस्तों, हमने अपने फ़ोन में कीप सिक्योरिटी भर लिया है। दोस्तों, इस ऐप का इंटरफेस ऐसा होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। हमने इसको डाउनलोड कर रखा है और डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसकी रेटिंग 4.5 की है और इसके 1 मिलियन डाउनलोडर है। चलिए दोस्तों, हम इसे आपको ओपन कर कर दिखा देते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, ये ओपन हो रहा है। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। दोस्तों, आपको यहाँ एग्री पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, हम एग्री पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस ऐप की सहायता से आप अपने फ़ोन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और अपने फ़ोन में स्पेस खाली कर सकते हैं और अपने फ़ोन में जो वायरस आए हैं अपने फ़ोन के वायरस को डिलीट कर सकते हैं और अपने फ़ोन को कूल कर सकते हैं और हैंग होने से बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको इसका यूज़ के बारे में बता देते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको इसको यूज करने के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, इस ऑप्शन वायरस स्कैन ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन के वायरस स्कैन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको इस पर क्लिक कर कर दिखा देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये वायरस स्कैन कर रहा है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक कि स्कैन हो रहा है। दोस्तों, थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों, स्कैन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। दोस्तों, आपको इसको बैक कर देना है। दोस्तों, हमने इसको बैक कर लिया है। बैक करने के बाद दोस्तों, हम क्लीन अप पर क्लिक करते हैं, अपने फ़ोन को क्लीन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, हमने क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद ये कुछ परमिशन अलाउ मांग रहा है। चलिए दोस्तों, हम इसको अलाउ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, क्लीन अप हो रहा है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो शो होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप ऊपर से इसे यहाँ से इसको बैक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम यहाँ से इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद स्टॉप पर क्लियर ना हो या आप स्टॉप पर क्लिक करके बाहर आ सकते हैं। स्टॉप कर लीजिए इसको। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ स्पीड अप पर क्लिक करना है। दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा स्पीड में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। चलिए दोस्तों, हम आपको दिखा देते हैं क्लिक करके। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो आपको दोस्तों यहाँ अनेबल पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, हम अनेबल पर क्लिक कर लेते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। अनेबल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये परमिशन मांग रहा है अलाउ की, तो दोस्तों हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करके इसे ये ऑफ हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको ऑन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको इसे जो ये है इसको ऑन कर देना है। चलिए दोस्तों, हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद दोस्तों, आपको बैक आ जाना है।
बैग आ जाने के बाद दोस्तों आपके सामने स्पीड अप हो रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। होने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, दोस्तों आपकी स्पीड अप हो गई है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करके बैक आ जाना है। चलिए दोस्तों हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपनी बैटरी यहाँ पर क्लिक करके बैटरी सेवर पर आप अपनी बैटरी का भी पता लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको क्लिक कर कर दिखा देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये हमारी बैटरी को भी स्कैन कर रहा है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी बैटरी 80% बैटरी लेवल है। स्क्रीन पर आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, इसका मतलब ये हमारी बैटरी 80% चार्ज है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अगर दोस्तों आप अपना सीपीयू को कूल करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों हम अपना सीपीयू कूल कर लेते हैं। सीपीयू पर क्लिक करके दोस्तों आपका सीपीयू कूल हो रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कूल होने के बाद ये आपका परसेंटेज दिखा देगा जितनी हुई। उसके बाद आपको बैक आपके स्क्रीन पर एक ऐड आएगा, आपको उस ऐड को बैक कर देना है यहाँ से ऊपर से। बैक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करके बाहर आ जाना है। चलिए दोस्तों हम क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ और भी फीचर मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर आपको ऑनलाइन शॉपिंग सिक्योरिटी का भी ऑप्शन मिलेगा, गेम बूस्टर का भी मिलेगा, वाईफाई सिक्योरिटी का, फुल स्क्रीन का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। के बाद नीचे आपको यहाँ पर ऑटो सिक्योरिटी स्कैन भी मिलेगा दोस्तों। अगर आप इसको खोल देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी ऑटोमेटिक चल जाएगी। चलिए दोस्तों हम और भी फीचर बता देते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें आपको यहाँ फीचर्स पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों हम फीचर्स पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ इसके और भी फीचर दिख जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऐप लॉक, आप इससे ऐप लॉक भी लगा सकते हैं अपने आप पर। प्राइवेट एल्बम भी सिक्योर कर सकते हैं, और इंटरव्यू स्नैप्स भी शॉर्ट्स कर सकते हैं दोस्तों आप। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ मोर पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक कर लेते हैं। मोर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। हमें यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों हम सेटिंग पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा दोस्तों। अगर आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर हिंदी, उर्दू, चाइनीज़, हर प्रकार की भाषा मिलेगी। जैसे दोस्तों आपको सेलेक्ट करनी है आप सेलेक्ट कर लेना। हमें इंग्लिश सेलेक्ट रखी है, हमें इंग्लिश अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों हम बैक आ जाते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।